करने के लिए पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, किंतु इस प्रदर्शन का अभी तक कोई सकारात्मक नतीजा नहीं आया है, जिससे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों में निराशा व्याप्त है और ये लोग अब आंदोलन को और उग्र करने की योजना बना रहे हैं। बताया गया कि संघ की अपील पर पूरे देश में कर्मचारी 22 मई से ही हड़ताल पर है, जिससे कामकाज बहुत ही प्रभावित हुआ है, किंतु इसके बावजूद सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता दिख रहा है। 22 तारीख से आज तक हम लोग भूख हड़ताल पर हैं। हम लोग की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है। हम लोग गरीब कर्मचारी हैं, 5,000-8,000 रुपया दरमा मिलता है, बाल बच्चा सबको इसी पर खाना है। और बताइए, आज 22 दिन से हम लोग पूरा रोड पर हैं, पूरा हिंदुस्तान रोड पर है, लेकिन प्रधानमंत्री का जरा सा भी ध्यान हम लोग की तरफ नहीं है। और आगे अगर नहीं माना, हम लोग अमरन अनशन पर जाएंगे। आज हम लोग क्या आपके मांगे क्या है? कमलेश चंद्रा हम लोग का जो 7 पे लागू हुआ था, पे रिविजन के लिए 7 पे कमीशन, कमलेश चंद्रा कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आज से 2016 नवंबर में दे दिया गया है। आज 3 साल होने जा रहा है, आज तक लागू नहीं किया जा रहा है। हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। संसद महोदय यहाँ के उनको भी ज्ञापन देंगे, ताकि वो भी अपने स्तर से प्रधानमंत्री को खबर करें कि हम लोग कब तक भूखे मरते रहेंगे।